उजड़ गए। आपको उनकी चिंता नहीं, आपको देश में महल बनाने की चिंता है, प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता है। आपने तो अपनी नौकरी बढ़ा ली, आपको तो डॉक्टर 10-10 बार चेक कर रहे होंगे। ये गरीब जनता को कौन चेक करेगा जिसने आपको वोट दिया? इसका जवाब चाहिए हमको, जो टैक्स भी देता है, वोट देता है। आपने क्यों नहीं इनका इलाज किया? हम गांव में रहे, वहां कौन बचाएगा? ये बताइए, भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है इंडिया और मोदी जी उसे डिजिटल इंडिया कहते हैं। जो शहरों में रहता है वो इंडिया, भारत गांवों में रहता है। और भारत इंडिया जैसे तीन उंगली हैं, एक आदमी शहर में रहता है और दो गांवों में रहते हैं। ये लगाइए, दो हिस्सा का भारत गांवों में रहता है, एक हिस्सा का शहरों में रहता है। जब यहीं इस डिजिटल इंडिया में या शहरी इंडिया में ही हाहाकार चीख पुकार मचा हुआ है, तो भारत तो बहुत दुगना है। जब ये रोग गांवों में चला गया है, जब इन पर इनका ही इलाज नहीं हो रहा, इनका ही टेस्ट नहीं हो रहा, भारत का ये कैसे इलाज करेंगे, गांवों का कैसे इलाज करेंगे? अब तो महामारी गांवों की तरफ भी, गांवों में बहुत, गांवों में 10-10 बारह बारह डेथ हो गई हैं। और गांवों में तो खैर अभी इतना नहीं है, पर शहरों में तो लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही, शमशान घर छोटे पड़ गए हैं। आज मैंने कल अखबार पढ़ा था, तो ये तो सरकार देखे, सरकार राजमार्ग को खोदकर प्रधानमंत्री आवास बना रही है। उसे ये चिंता नहीं है कि जनता की श्वास कैसे पैदा किया जाए, उसास कैसे लिया जाए। जो जनता का दम घुट रहा है उसके लिए इनके पास कोई तैयारी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारी जनता ने बिना सोचे समझे आज जो इल्जाम भुगतना पड़ रहा है। अब वो धर्म के नाम पर वोट दे दिया, और जिसने धर्म के नाम पर जिस सरकार ने इस देश को ठग लिया, आज उनके पास कुछ कहने को शब्द बचा ही नहीं। शांत हैं, मौन हैं, और उनके ही 8 MLA हमारे उत्तर प्रदेश में मर गए, जिनमें एक मंत्री भी शामिल है। और ये फैजाबाद का एक लोधी बेचारा MLA है, वो फिरोजाबाद का ही, उसका इलाज चल रहा है फिरोजाबाद में। अब स्वस्थ होकर वो पहुंच गया बेचारा घर, और उसकी पत्नी दोनों पॉजिटिव हो गए थे। फिरोजाबाद से उसकी पत्नी को आगरा रेफर कर दिया गया है, और वो MLA कह रहा है एक 12 घंटे तक गुहार लगाई गई जब मेरी जनानी को, हमारी पत्नी को हॉस्पिटल में जगह मिली। जब MLA इनके ही सांसद गुहार लगा कर उनका इलाज नहीं हो रहा, तो मैं तो योगी जी महाराज और मोदी जी से दोनों से पूछना चाहता हूँ, इस धर्म की अफीम से इलाज नहीं होगा। इलाज वैक्सीन से होगा, इलाज दवाई से होगा। आपने थाली ताली बजवा दी, इतना मूर्खता में धकेल दिया देश को। अरे ये तो जो कौतांत्रिक लोग करते हैं इस काम को, जो आपने जनता के साथ ठगी की है, इसका अंजाम देश भुगत रहा है। लोग बता टुटका कर दे, आप एक साल से आप पर दवाई का इंतजाम नहीं हुआ, एक साल से आप पर बेड का इंतजाम नहीं हुआ, एक साल होने को जा रहा है, आप पे कुछ इंतजाम, दवाई ना कोई कुछ, बच्चों की पढ़ाई एक साल हो गया, फीस माँ बापों ने दे दी है, वो घर बैठे, दूसरा साल लग गया है। चुनाव जरूरी है, अरे जिला परिषद प्रधानी का चुनाव जरूरी नहीं था? देश में कोरोना की जो महामारी चल रही है उसको रोकना जरूरी था, बंगाल के चुनाव को मत करवाते, एक साल और चलने देते, मुख्यमंत्री ममता बैठी रहती, कोई बात नहीं, और चाहे राष्ट्रपति शासन लगा लेते। आपको दूसरे से अगर घृणा है, पर इस इलाज करिए, दवाई दीजिए, तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग, सड़कों पर पड़े हैं। आपको इसीलिए देश का प्रधानमंत्री चुना गया, आपको इसीलिए योगी जी महाराज प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। आप कहते थे 10 साल में जो नहीं हो पाया, 4 साल में कर दिखलाया, 4 साल में यही कर दिखलाया, जो लाशों के ढेर पड़े हैं, जलाने के जगह नहीं है। आप
एक आध दिन टोट का कल गए किसी गांव में मिल आए, इससे काम नहीं चलेगा। आप जनता को बचाइए, जनता को हम देश का हर नागरिक आपको टैक्स देता है, और टैक्स से मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा एक फालन गांव है, वहाँ छोटा सा एक वो जो बनता है डॉक्टरों का पीएससी बनती है क्या, वो छोटी सी हॉस्पिटल बना हुआ है, उस हॉस्पिटल के सामने घूरा पड़ा है गोबर का। आपने ये नहीं देखा एक उसमें सरकार का पैसा लगा है, हमारे पैगाम में पड़ा है खाली, ना कोई डॉक्टर है ना नर्स है, फिर कैसे बचेंगे ये गांव? ये बताइए, जब शहरों का आप पे इलाज नहीं हो रहा तो गांवों में महामारी फैल गई है, आपको ये चिंता नहीं? आपको चिंता क्या है? किसी तरह से झूठ बोलकर पाखंड करके कुर्सी को बचाइए। कांग्रेस के जो एमएलए आया है आसाम में, क्या आपकी पार्टी में कोई आदमी नहीं था? कांग्रेस को मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, और उसमें था वो कांग्रेस के एमएलए को जो तोड़ा है आपने, उसको मुख्यमंत्री बनाया है, जो पार्टी में आपकी में सेवा कर रहे हैं, आपको तो तोड़ा फोड़ी के अलावा और दूसरा काम आता नहीं। आपने एक हिंदू मुसलमान की ऐसी अफीम सुंघा दी है इस देश में, आपको उस क्रांति का याद नहीं जो 1857 में सबने मिलकर लड़ी, शुरू जंग हुई, उसमें मुसलमान भी शहीद हुए, हिंदू भी शहीद हुए, सिख भी शहीद हुए और ईसाई भी शहीद हुए होंगे। आप तो उसमें जो देशवासी कहते हैं झूठा नहीं, आप तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और इसी बंटवारे से देश में अंग्रेजों ने राज किया, वही नीति आपने सीख ली है। ये काम इस देश में मत करिए। मोदी जी आप होश में आइए, ये जनता अब सो नहीं रही है, जनता जग गई है, कब तक नहीं जगेगी? हमारे खेत लूटने के लिए आपने कॉरपोरेट को, ये हम तो पहले से ही 70 साल से दुखी थे, आपको ये देखा, आप ये कहते थे कि मेरी माँ बर्तन मांजती है, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने चाह बेची, देश ने आप पर विश्वास किया और आपने देश के साथ विश्वासघात किया। आप उसी हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म को ला करके इस देश को बांटना चाहते हैं। अरे बांटिए मत, राजा का कर्म होता है, देश में महामारी फैल गई है, इसका इलाज करिए, एक दूसरे पर मत ढकोसला फोड़िए, एक वहाँ ये हो रहा है वहाँ हो रहा है, सब देश को एक साथ लेकर वैक्सीन ऑक्सीजन, जब आप पाकिस्तान जैसे देश से, ये मीडिया की गद्दारी रही है जो ये कहता था पाकिस्तान ने तो कटोरा ले रखा है, आप अब ये मीडिया क्या कहेगी? 40 देशों से दवा आ रही है हिंदुस्तान में, आपके पास कुछ भी नहीं रहा, और पाकिस्तान भी दवाई दे रहा है और ऑक्सीजन जन क्या क्या दे रहा है, जब वो तो भैया भूखों कहाँ रहा, आप बताते थे उसने तो कटोरा ले रखा है, वो अपने पामों पे खड़ा है बेचारा कुछ ना, हम तो आगे निकल गया पाकिस्तान, तो फिर आप कहाँ सोते रहे? आपने कहाँ बर्बाद किया ये पैसा? जो आपको इतना पैसा मिला, दान में भी बहुत पैसा आया पहली साल, उस पैसे का आपके पास कोई हिसाब नहीं, और ये जो टैक्स का पैसा आता है इसका आपको कोई हिसाब नहीं। आपका हिसाब तो यूँ है, अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं उसे, आपके पास कोई हिसाब नहीं देशवासियों को देने के लिए। मैं तो एक सवाल यहाँ से करना चाहता हूँ, मोदी जी ने आपने सवाल उठाया कि मोदी जी राज मार्ग पे मोदी महल बना रहे थे, आप वो तो संसद भवन बना रहा था, मोदी महल क्यों बोल रहे हैं? अरे वहाँ प्रधानमंत्री आवास पर संसद भवन, जब हमारे पास एक ऐसा कोरोना का तांडव है देश में, उस वक्त चिनाई की और उसकी क्या आवश्यकता है? पहले अपने रोग को रोकिए देश में से। अरे जो जब हम झोंपड़ी में रहे आएंगे, पर देश में हमारी जानें बचे किसी तरह से, देश का हर नागरिक कीमती है, किसी की माँ जा रही है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, इस नोएडा में ही पहले दादा दादी चले गए दोनों, फिर माँ बाप चले गए, दो बच्ची रह गई हैं बेचारी, एक थी वो 6 साल की और एक 8-7 साल की, उनको उनकी भुआ ले गई है, बताइए अनाथ हो गए बच्चे, जिनके घर उजड़ गए, आपको उनकी चिंता नहीं? आपको देश में महल बनाने की चिंता है, प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता है, आपने तो अपनी नौकरी बढ़ा ली, आपको तो डॉक्टर 10-10 बार चेक कर रहे होंगे, ये गरीब जनता को कौन चेक करेगा जिसने आपको वोट दिया?
इसका जवाब चाहिए हमको, जो टैक्स भी देता है, वोट देता है। आपने क्यों नहीं इनका इलाज किया, इनके लिए इलाज की सुविधा क्यों नहीं की? मैं कह रहा हूँ आप जाकर देखिए, फालन में घूरा पड़ा है, पैगाम में कोई वहाँ है ही नहीं कुछ भी वहाँ। और जो पहले पशु हॉस्पिटल भी था एक बार चावली में, वो उजड़ गया हमारे गांव के पास ही। इनको इन चीज़ों की चिंता नहीं, इनने तो यही है एक इस देश को यही अफीम सुंघाए रखी है, हिंदू मुसलमान की चाहे कुछ भी हो। तो मैं भैया इनके बारे में कहूँ क्या आपसे?